अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कलियों वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, और लेस और कपड़े के यूज से आप इसकी किस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलें, वक्त है के बगैर अपनी इस क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बैक और फ्रंट को सेपरेट कर लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके ऊपर नीचे बिछा लेंगे। ये नीचे इसका बॉर्डर था जो कि मैंने नीचे से सेपरेट करके काट लिया है। तो पहले हम पैनल की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ये बॉर्डर हम इसके साथ अटैच करेंगे। अब इस बॉर्डर को हम इसके ऊपर एक इंच बढ़ता हुआ इस तरह से रखकर एडजस्ट कर लेंगे ताकि हम इसकी लेंथ नाप लें। इसके नीचे हमें एक इंच बढ़ती हुई लेस भी लगानी है, तो हम वहाँ से जहाँ से हमारी लेस लगनी है वहाँ से इस तरह से रखेंगे और ऊपर की तरफ लाते हुए हम यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। हमने इसकी लेंथ रखनी है 40 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 41.5 पर ये निशान लगा लूँगी। ये निशान लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ सीध का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब हमने इसका सेंटर पैनल कट करना है, तो हम ऊपर से तीरे की तरफ से 5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। अब इधर से हमने अपनी कमर का जो हमारा पॉइंट है वो निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर भी 5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे दामन की साइड से मैं ये निशान 8 इंच पर लगा रही हूँ। अब इस निशान को हम ऊपर कमर के पॉइंट से मिला लेंगे जो कि हमने 5 इंच पर निशान लगाया था, वहाँ से हम इसको इस तरह से स्केल की मदद से मिला लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसकी इन निशानों पर कटिंग कर लेंगे। याद रहे कि हमारा बैक और फ्रंट ऊपर नीचे बिछा हुआ है। अब ये जो साइड की कली है हमने इसको इस तरह से पलटा के इसके साथ मिलाना है, यानी कली की जो करनी वाली साइड है सीधी साइड, वो हमने अपने सेंटर पैनल की जो हमारी कटी हुई साइड है उसके साथ मिला के रखनी है। अब जो हमने सेंटर पैनल पर डिज़ाइनिंग करनी है वो सबसे पहले हम कर लेंगे। तो बैक के पैनल पर मैं सिर्फ इसके साथ पाइपिंग अटैच करूँगी जो कंट्रास्ट के कपड़े की होगी। आप चाहें तो इस पर जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं और कोई सिंपल लेस भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इस पर कंट्रास्ट का कपड़ा यूज़ करते हुए इसके ऊपर पाइपिंग कर लूँगी। अब ये फ्रंट का सेंटर पैनल है, इस पर मैं कपड़े से डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट के कपड़े में ही जो हमारा ट्राउज़र का कपड़ा था उससे ये ट्राइंगल्स रेडी कर लिए हैं, और दो दो ट्राइंगल्स को इस तरह आपस में ग्लू की मदद से जोड़ लिया है। अब ये ट्रायंगल्स जो हमने पेड़ की शक्ल में बनाए हैं ये इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे और थोड़े थोड़े फासले पर इससे अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने किस तरह से बनाए हैं, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर पीस लिया, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई भी 2 इंच है। तो यहाँ पर मैंने 2x2 का एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है। हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और अगेन फोल्ड करके ये हमारा इस तरह से एक ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे ट्रायंगल्स रेडी कर लिए थे। अब ये दो स्क्वायर पीस लिए, इसको इस तरह से ऊपर नीचे रखा। अब बीच का गैप आपने अपनी मर्जी के हिसाब से रखना है, और इस तरह सेंटर में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे या आप इसको ग्लू की मदद से अटैच कर लें। अब जो हमें फर्स्ट ट्रायंगल का पेयर रखना है वो हमारा जो तीरा है उससे 1/2 इंच नीचे को ये रखना है। उसके बाद आपने 2-2 इंच के फासले से ये निशान लगा लेना है, और इसके ऊपर अगेन ये ट्रायंगल हम इस तरह से रख लेंगे। सेम इसी तरह मैं दोनों साइडों पर ये मार्क्स लगा लूँगी और ये ट्रायंगल इसके ऊपर रख लूँगी। जो ट्रायंगल की नुकीली साइड है वो हमें अंदर की तरफ होनी चाहिए और ये कपड़े की सीधी साइड पर लगेंगे। अब जो साइड का पैनल हमारा निकला था
आरी साइड है और ये जो बाहर की तरफ है साइड है, तो इसको हमने सेंटर पैनल से अटैच करना है। उससे पहले हम इसके ऊपर पाइपिंग लगा लेंगे। 1.5 इंच चौड़ा हमने कपड़े का पीस लिया, इसके अंदर इस तरह से हमने पाइपिंग रखी, तो ये हमारी साइड पैनल के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो चले आए अपनी सिलाई मशीन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने साइड का पैनल रखा और ये देखिए जो हमारी पाइपिंग की चौड़ाई है वो हमारे 1.5 इंच से 2 सूत्र कम है। अब हमने इसको पाइपिंग को सेंटर में, कपड़े के सेंटर में रखा और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको सेंटर में ले आएंगे। और यहाँ पर मैं सिंगल फुट का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी मदद से ही पाइपिंग ज्वाइन करूँगी। अगेन बताती चलूँ, ये हम अपने साइड पैनल पर इस तरह से अटैच करेंगे। जो हमारी सीधी साइड है ये उसके साथ अटैच होगी। ये पाइपिंग मैं कपड़े की फ्रंट साइड पर लगा रही हूँ। पैनल की बाकी साइडों पर भी ये पाइपिंग मैं इसी तरह से लगा लूँगी। अब ये देखें जो हमारा सेंटर पैनल था उसके ऊपर मैंने ये ट्रायंगल्स इस तरह से फिक्स कर लिए हैं और इसकी साइड पर एक सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लिया है। अब हमने सेंटर पैनल से इसकी साइड का पैनल अटैच करना है। तो ये देखें ये जो हमने पाइपिंग लगाई है इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है, यानी पाइपिंग आपकी इस तरह अंदर की तरफ होनी चाहिए और इसको बिल्कुल साथ इस तरह मिलाते हुए सेंटर और साइड के पैनल को रखना है और इस तरह लगाते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ ये सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पर मैं इसको अटैच करने के लिए सिंगल फुट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसमें नीटनेस आ सके। ये कंप्लीट करने के बाद साइड पर भी सेम इसी तरह से ये साइड का पैनल अटैच कर लूंगी। तो ये देखें जब हमने इसको ओपन किया तो ये ट्रायंगल्स के रुख सेंटर पैनल के अंदर की तरफ हैं और पाइपिंग इसके ऊपर है। अगर आप चाहें तो ये बाहर की तरफ भी रख सकते हैं। अगर आप नीचे से सिलाई का रुख अंदर की तरफ रखेंगे, इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे सेंटर पैनल की तरफ, तो ये ट्रायंगल्स हमारे बाहर की तरफ आ जाएंगे। और अगर ये आप बाहर की तरफ रखेंगे तो ये ट्रायंगल्स हमारे अंदर की तरफ चले जाएंगे और पाइपिंग हमारी इसके ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल्स का रुख अंदर की तरफ यानी सेंटर पैनल की तरफ रख रही हूँ। अब इसकी सीधी साइड पर रहते हुए हम इसके ऊपर एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा बैक का पैनल है जिस पे मैंने सिर्फ पाइपिंग लगाई है और इसको अटैच कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और अपने टेबल पर इस तरह से सेट कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का पैनल है जिस पर हमने डिजाइनिंग की है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए अपने बैक के पैनल पर इस तरह से सेट करके रख लेंगे। ऊपर से एक बार फिर हम सीध का निशान लगा लेंगे ताकि कुछ भी ऊपर नीचे हो तो वो एडजस्ट हो जाए और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब जितना भी ऊपर से हमारा गले का फैलाव है वो निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। अब तीरे का निशान मैं यहाँ पर 7.25 इंच पर लगा रही हूँ जो कि हमारी तैयारी का निशान है। और इससे 0.5 इंच आगे बढ़ाते हुए हम इसके दबाव का निशान लगाएंगे जिस पर हमारी कटिंग होनी है। अब यहाँ से 0.25 इंच नीचे हम डाउन शोल्डर का निशान लगाएंगे और इस तरह से ये निशान आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब नीचे भी हम 7.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब जो हमने 7.25 इंच पर निशान लगाया था उसे पीछे अंदर की तरफ हम 0.25 इंच पीछे एक निशान लगाएंगे और जो ऊपर की तरफ 0.5 इंच बढ़ता हुआ निशान था उसको उससे मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने चेस्ट का साइज का निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर 10.25 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। अब सबसे पहले हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे
और एक बार देख लेंगे कि हमारा आर्म होल ठीक आया है या नहीं। तो ये देखें 10.25 इंच ये हमारा रेडी होना है, तो ये बिल्कुल ठीक आया है। अब हम अपने कमर के पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि मैं 15 इंच पर लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैं 9.2 इंच पर ये निशान लगाऊंगी। अब इस तरह कर्व स्केल की मदद से हम अपने चेस्ट और वेस्ट के पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने दामन की साइड पर निशान लगाना है, जितना हमने इसका फैलाव रखना है उससे पहले हम इस तरह दामन को सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर दामन के लिए निशान लगाऊंगी, आप जितना चाहे इसका फैलाव रख सकते हैं। अब इसको कर्व स्केल की मदद से इस तरह से अपने वेस्ट के पॉइंट से मिला लेंगे। अब यहाँ पर इसके चाक के लिए मैं 7 से 7.5 इंच पर यह निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारा नीचे बढ़ता हुआ बॉर्डर भी आना है। और जो हमने 16 इंच पर निशान लगाया है उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब नीचे से 1 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से इसको शेप दे देंगे, ताकि जब हम पहने तो इसकी नीचे से कान ना बने। दामन की साइड पर जो हमने निशान लगाया है उस पर रहते हुए हम इसकी कटाई कर लेंगे, और यहाँ साइडों से हम 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी साइड की कटाई कर लेंगे। और ये कटाई हमने सेम वैसे ही करनी है जिस तरह से हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। फ्रंट और बैक आर्म होल की कटाई करने के बाद मैं इस पे चाइनीज कॉलर बनाकर इसकी मुकम्मल सिलाई करके आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर चाइनीज कॉलर बनाया है और इस पे पाइपिंग की है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जैकेट स्टाइल लुक देने के लिए इसके साइडों पर भी इस तरह से पाइपिंग की है। अब ये जो हमारे पास लेस थी जो हमने इस पे यूज़ की है उसके मैंने इस तरह से फ्लावर्स कट कर लिए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा लेस बच गई थी तो मैंने इस तरह से इसके फ्लावर्स कट कर लिए हैं। ये देखें ये लेस कुछ इस तरह से थी और ये फ्लावर्स इसके ऊपर बने हुए थे, तो मैंने इसकी कटाई करके ये फ्लावर्स इसके साथ सेपरेट कर लिए हैं। अब मैं इस पे इससे डिज़ाइनिंग करूँगी। अब ये जो साइड पर हमने जैकेट स्टाइल लुक दिया है इसके ऊपर ये 1-1 फ्लावर इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको टांके की मदद से जोड़ लेंगे। दोनों साइड्स पर हम इसी तरह थोड़े थोड़े फासले से ये फ्लावर्स इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब ये जो एक और डिज़ाइन था ये हाफ फ्लावर है, ये हम इसके ऊपर चाइनीज जो हमने गला बनाया है इसके ऊपर इससे इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मेरे पास चूंकि ये थोड़ी सी लेस बच गई थी तो मैंने कहा वेस्ट करने से बेहतर है इसके साथ इस कुर्ती के ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी जाए। तो ये देखें ये है इसकी फाइनल लुक। दामन पर मैंने इस तरह से बढ़ता हुआ पाउडर लगाया और नीचे 1 इंच बढ़ती हुई लेस लगाई है, और बीच में जोर में मैंने इस तरह से सीरी लेस का इस्तेमाल किया है। मेरा गला आजकल थोड़ा ख़राब है तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बीच में आपको खांसी की आवाज़ ना आ सके। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगी। ज़िंदगी बखैर, अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।